कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमारी सोसाइटी में गरबा हो रहा है और हम दोनों गरबा खेले जा रहे हैं। वैसे पहले हम गुजरात में रहते थे तो वहाँ पर 9 days गरबा होता था, लेकिन यहाँ पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ 1 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन तब भी अच्छा है। तो गरबा खेले जा रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ सोसाइटी में। मुझे खांसी और नोजी आई है। हाँ, थोड़ा कोल्ड हो गया है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, और आपको मेरा आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नो फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इससे पहले भी मैंने पनीर की रेसिपी शेयर की थी, तो आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पनीर को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने बे लीव्स, एक बड़ी इलायची और दालचीनी ली है 1 inch। यहाँ पर 2 tomatoes कट करके रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 बड़े अनियन कट करके रख लिए हैं, और 1 बड़ा गार्लिक यहाँ पे पील ऑफ कर लिया है, और जिंजर कट करके रख लिया है 1 piece। तो इस पनीर की रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम रिफाइंड ऑयल को मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया, और उसे गर्म होने के बाद यहाँ पर जो अनियन कट किए थे, गार्लिक एंड जिंजर, इसमें डाल दिए हैं, और इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, अनियन, गार्लिक और जिंजर को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, एंड देन मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे सब्जी बनाते टाइम इसको बहुत देर तक फ्राई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ये लगभग फ्राई हो चुका है, और इसको मैं निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, देन इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सब्जी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें क्यूमिन सीड्स डालेंगे, देन 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और हम बे लीव्स इसमें डाल देंगे, और फिर इन सभी को फ्राई करेंगे। जब सब कुछ अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब उसके बाद हम जो 2 tomatoes कट किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर अनियन, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी पहले ऐड नहीं करेंगे, उसको हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था, तो उसको फ्राई होने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। और यहाँ पर टमेटो अच्छे से गल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देते हैं। नाउ फ्लेम को थोड़ा लो कर देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं, जिससे कि अभी टमाटर अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुका है, और अब इसमें हम सूखे स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट हम पहले से ही ऐड कर चुके हैं। ग्रीन चिली और रेड चिली, जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। हम मोस्टली ग्रीन चिली ही यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो अभी सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वैसे फ्रेंड्स, टमाटो पूरा गल चुका है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, मसालों ने साइड से ऑयल छोड़ दिया है, इट मींस मसाले पक चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो अनियन, गार्लिक और जिंजर को फ्राई करने के बाद पेस्ट तैयार किया था, उसे ग्राइंड किया था, उसको हम ऐड कर देंगे। अब इस फ्रेंड्स, इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी हमने फ्राई करके ही ग्राइंड किया था। तो अभी इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ढककर, देन उसके बाद में हम पनीर के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में मैंने पनीर को अलग से फ्राई नहीं किया है, इसमें हमने पनीर को बस पीसेस कट करके डाल दिए हैं, और इसको हम अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, जितनी हमें सब्जी में कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर देंगे, देन ढककर 5 to 10 मिनट्स पकाएंगे।
और उसके बाद ये पनीर की सब्ज़ी रेडी है। फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से भी पनीर की सब्ज़ी बनाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स आज हमारी सोसाइटी में डांडिया नाइट है, मींस आज डांडिया होगा और यहाँ पर मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ। मैंने आज ब्लैक कलर का लहंगा पहना है, वैसे मैंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था लेकिन उस लहंगे में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसकी जिप ख़राब हो गई तो मुझे लास्ट मोमेंट में लहंगा चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर एक डांडिया का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। वैसे मैं ज़्यादा आज देर नहीं रुक पाई यहाँ पर प्रोग्राम में, बिकॉज़ अनैब की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोल्ड और खांसी हो रही है, तो मैं थोड़ी देर ही रुककर मुझे वापस आना पड़ा, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। हमको सिर्फ इसको टच करना है, अगर टच नहीं भी हुई तो डजंट मैटर, सिर्फ एक्शन करके हम अपने एक्शन को वापस पीछे आ सकते हैं और फिर अपने एक्शन को। तो फ्रेंड्स इतने छोटे छोटे बच्चे भी डांडिया के साथ एंजॉय कर रहे थे और डांस करने का ट्राई कर रहे थे सभी को देख देख कर, और सभी लोग बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगों में घूम रहे थे, सभी लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे। यहाँ पर अनैब भी डांडिया के साथ मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स आज मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, अनैब की तबीयत ठीक नहीं थी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय फ्रेंड्स।